सो हे गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाफ शर्ट की कटिंग। दोस्तों, इस शर्ट की कटिंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके के साथ बताएंगे, और इसकी कटिंग के साथ साथ हम आपको इसकी स्टिचिंग करना भी बताएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 40 इंच चेस्ट की शर्ट काटना बताएंगे। इस फार्मूले के हिसाब से आप 32 इंच, 34 इंच, 36, 38 इस तरीके से आपका जितना भी चेस्ट हो उस हिसाब से आप शर्ट की कटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आते रहते हैं जिससे आप सिलाई को आसानी के साथ सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। जिस तरीके से आप हर वीडियो में प्यार देते हैं, बस इसी तरीके से हमें आप अपना प्यार देते रहें तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप सिलाई को आसानी के साथ सीख सकेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमने ये जो कपड़ा लिया है इसमें हमारी 28 इंच लेंथ की शर्ट की कटिंग करेंगे। तो इस टोटल कपड़े की जो लेंथ है वो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है। इसमें जो हमारी हाफ शर्ट की कटिंग है वो आसानी के साथ हो जाएगी। इस शर्ट की जो फैशन पट्टी है और बाजू में जो पट्टी है उसको फोल्ड पट्टी बनाएंगे, तो इसकी हम पहले कटिंग करेंगे, इसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका जो है मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लेंथ है, 18 इंच इसका जो है शोल्डर है, 40 इंच इसका सीना है और 38 इंच इसका जो है पेट है। बाजू की जो लंबाई है वो 7.5 इंच रखेंगे। इसको हम फिटिंग में काटेंगे बाजू को, और इसकी जो मोरी है वो 13 इंच है। कॉलर इसका रखेंगे 15 इंच। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। ये जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होती है। ये चीज हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। अब हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए, कटिंग के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा ये जो है सेफर है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और ये स्केल है। इन दोनों चीजों की सहायता से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सेफर को साइड में रखेंगे और पटरी की मदद से हम एक मार्क लगाएंगे साइड से। इसको हम फोल्ड पट्टी का बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहां से एक निशान लगाएंगे, यहां से निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच का। अब इसके बाद हम एक निशान और लगाएंगे 0.5 इंच पर, इस तरीके से। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। एक निशान हम और लगाएंगे। जब भी हमारी जो कटिंग होगी वो इस वाले निशान से स्टार्ट करेंगे हम कटिंग को। ये जो पट्टी है हमारी पलटकर जो फोल्ड पट्टी बनेगी उसके लिए है। जब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक मार्क हम ऊपर लगाएंगे सीधा। लंबाई का निशान लगाएंगे, लंबाई है 28 इंच, तो इस तरीके से रखेंगे 28 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसको सीधा कर लेते हैं।
सीधा करने के बाद दोस्तों आधा इंच का मार्जिन हम और लेंगे, जो हमारा बॉटम फोल्ड होगा उसके लिए। अब दोस्तों हम शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी तीरे का। तो तीरा है हमारा 18 इंच, तो 18 का हम आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे, तो हमारा हुआ 9 इंच, प्लस हम इसमें आधा इंच मार्जिन और ऐड करेंगे, जो हमारा जब हम बाजू को अटैच करते हैं तो उसमें जाता है, तो इसलिए हम इसमें निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पर। अब दोस्तों आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो आर्मोल का निशान जो है वो सीने का 1/4 भाग लगता है। तो इस शर्ट को हम फिटिंग में रखेंगे, जो इसका आर्मोल है वो हम फिटिंग में रखेंगे। तो इसके लिए जैसे हमारा सीना है 40 इंच, तो 40 इंच को हम 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो जैसे हमारा हो गया 10 इंच, तो हम इसमें 10 इंच का निशान नहीं लगाएंगे, तो हम इसमें निशान लगाएंगे 9.5 इंच का, यानी 1.25 इंच माइनस करके लगाएंगे। सबसे पहले हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे, इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इसका जो चेस्ट है वो 40 इंच है, तो 40 इंच में हमने यहां पर जो आर्मोल का निशान लगाया है वो 9.5 इंच पे लगाया है, तो आप 9 इंच पर भी लगा सकते हैं, तो इससे ज्यादा आप ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। अब दोस्तों हाले का निशान लगाएंगे, तो जैसे हाला है हमारा वो सीने का 12वां हिस्सा करके लगाया जाता है, यानी जितना भी चेस्ट है आपका उसमें 12 का भाग करेंगे आप, जितना निकल कर आएगा उस हिसाब से हाला लगाया जाता है। हम जो तरीके से लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि हम यहां से लगाएंगे 3.5 इंच पर, और यहां से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। दोस्तों इससे ये होता है कि जैसे हमारा जो हाला है वो कभी बड़ा नहीं होता है, छोटा ही रहेगा। जब कोई चीज छोटी होती है तो उसको हम काट कर बड़ा तो कर सकते हैं, जैसे हमारा हाला बड़ा कट जाएगा तो इसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। तो इसको हम छोटा ही रखेंगे, सीधा कर लेते हैं इसको, शेप दे देंगे हम इसमें। अब दोस्तों कंधी को डाउन करेंगे, तो कंधी को हम डाउन करेंगे इसमें 1.5 इंच, और यहां से हम लोग अंदर को लेंगे 1.25 इंच। जैसे दोस्तों आपको आर्मोल में बिल्कुल भी सिलवट नहीं चाहिए, तो हमने जितना कंधी को डाउन किया है उतना आप अंदर ले लें, तो इससे जो आपके आर्मोल में सिलवट आती है वो नहीं आएगी। तो इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे। अब सीने का निशान लगाएंगे, तो सीना है हमारा 40 इंच, तो 40 इंच को हम 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी 40 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो हमारा हुआ 10 इंच। तो इस तरीके से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस इसमें हम यहां पे जो लूजिंग है वो 2.5 इंच की देंगे हम ऊपर इस तरीके से, क्योंकि हमें जो चेस्ट है यहां थोड़ा सा ढीला रखना है, पेट पर और हिप में हमें इसको फिटिंग में पहनना है। तो इस तरीके से ये हम निशान को नाप लेंगे, ये हमारा 12.5 इंच निकल कर आया है। तो दोस्तों अब हम बॉटम पे निशान लगा लेते हैं, जैसे हमारा ये 12.5 इंच निकल कर आया है, तो हम यहां पर निशान लगा लेंगे 11.5 इंच पर, यानी 2 सूत हम इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इसे हिप में फिटिंग में पहनना है। पेट का निशान लगाएंगे, तो पेट का निशान किस तरीके से लगाते हैं, ये हमारा जो बॉटम का निशान है और ये जो आर्मोल का निशान है, तो
तो इन दोनों निशानों को हम नापेंगे इस तरीके से। नापने के बाद दोस्तों हम इसको आधा कर देंगे, जैसे हमारा ये 19 इंच है तो हम निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पर, इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब जैसे दोस्तों हमारा जो पेट है इसका वो 38 इंच है, तो 38 इंच को हम 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन यानी इसकी जो है लूजिंग देंगे, तो इस तरीके से 1.5 इंच हम और बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे, ये हमारा 11.5 इंच, यहाँ पर हमारा आया 11 इंच और यहाँ पर हमारा है 12.5 इंच। अब इसमें हम शेप दे देंगे, तो इस तरीके से हम शेफर को लेंगे और इस तरीके से हम रख के देख लेंगे शेफर को। देखिए दोस्तों हमारा जो शेप है वो एक ही बार में आ जाएगी, तो इस तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे। आर्मोल में हम शेप देंगे, अब दोस्तों इसको हम एप्पल कट में रखेंगे यानी ओपन बॉटम रखेंगे इसका। तो ओपन बॉटम के लिए हम निशान लगाएंगे, इस वाले निशान से हम नापेंगे, तो यहां से निशान लगाएंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद इसमें हम राउंड दे देंगे इस तरीके से, हमने इसमें ज्यादा राउंड नहीं दिया है, इसमें कम राउंड दिया है। जैसे आपको ज्यादा राउंड देना है तो आप 2.5 इंच पे निशान लगा लें, तो इसमें इस तरीके से आप निशान दे सकते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है, इसका हम कॉलर भी लिख लेते हैं, इसमें हमारा 15 इंच का कॉलर अटैच होगा। अब दोस्तों मार्किंग हमारी रेडी है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल एलटी टेलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एक छोटी सी और गुजारिश है कि आपने हमारे दूसरे चैनल जो हमारा इस्लामिक चैनल है मोमिन नेटवर्क, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई है, अब हम यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं इस तरीके से, और एक चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं। दोस्तों फ्रंट पल्ले की हमारी कटिंग हो गई है, अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए हम कपड़ा किस तरीके से बिछाएंगे चलिए वो देखते हैं। किस कपड़े को लेंगे, अब दोस्तों बैक का कपड़ा हम किस तरीके से बिछाते हैं, हमने तो ये कपड़ा बिछा लिया है, आपको किस तरीके से बिछाना है। दोस्तों जैसे हमारा जो फ्रंट का पल्ला है उस पल्ले को हम नाप लेंगे, उससे हमें 1/2 इंच छोटा पल्ला रखना होता है बैक का, तो इस तरीके से हम पल्ले को बिछाएंगे। अब जो हमने फ्रंट का पल्ला कटिंग किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे, इस तरीके से फ्रंट वाले पल्ले को हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे, क्योंकि जो बैक है हमारी वो 1/2 इंच छोटी कटती है, और इसको हम ऊपर से 1 इंच बैक को छोटा काटेंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, यहां से हमने जो बैक बिछाई हुई है वो 1 इंच छोटी काटेंगे हम बैक को, और जो
पल्ला है हमने वो आधा इंच बाहर को निकाला है, बैक आधा इंच छोटी कटेगी, तो इस तरीके से बिछा लेंगे। निशान लगा लेते हैं, इस निशान को सीधा करेंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर है हमारा 18 इंच, तो 18 का आधा करेंगे 9 इंच प्लस आधा इंच मार्जिन का ऐड करके निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। इसकी हम कटिंग करेंगे, और इसको हम इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद दोस्तों इस वाले मार्क को हम इस तरीके से यहां तक सीधा करेंगे, इस तरीके से हम इसमें राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा बॉटम है, इस बॉटम से हम बराबर में निशान लगा लेंगे, जो हमारे बॉटम की पीछे की जो शेप है वो बराबर रहे। अब दोस्तों इस वाले निशान से हम जो बैक का पल्ला है वो दो सूत कम काटते हैं। अब दोस्तों दो सूत हम क्यों इसको छोटा काटते हैं आप लोग ये सोच रहे होंगे, चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। जैसे हम इसको बराबर काट देंगे तो हमारी जो बैक है वो बढ़ जाएगी। इस तरीके से कटिंग कर ली है हमने फ्रंट पल्ले की और बैक पल्ले की। अब चलिए दोस्तों शोल्डर की कटिंग करते हैं। तो दोस्तों शोल्डर के लिए हमने ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इस तरीके से नाप के देख लेंगे कि दोस्तों जो हमारा शोल्डर है वो इसमें बैठ जाएगा कि नहीं बैठेगा। तो इसमें हमारा जो शोल्डर है आसानी के साथ निकल आएगा। सबसे पहले हम जो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ख़त्म करेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए हम सीधा एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों इसमें जो तीरा लगाएंगे वो हम लगाएंगे 4.5 इंच का। तो इस तरीके से 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब जो हाला हम उठाएंगे बैक का वो 2 इंच उठाएंगे और यहां से हम निशान लगाएंगे 2.75 इंच पर। इस तरीके से पहले इस निशान को हम सीधा करेंगे, फिर हम इस निशान को सीधा करेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इस वाले निशान से ये हमारा लंबाई का निशान है तीरे का, इस तरीके से हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। इस तरीके से राउंड देंगे हम इसमें, तो इस तरीके से हमारे जो शोल्डर की है वो मार्किंग हो गई है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है, बैक शोल्डर की। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो हम इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। बाजू को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं हम बाजू को इस तरीके से निकालेंगे, हम बाजू को आड़ा नहीं निकालेंगे, बाजू को हम सीधा निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
इस तरीके से ये हमारी जो दोनों बाजू हैं वो एक साथ में कट जाएंगी। तो एक मार्क हम नीचे से लगाएंगे इस तरीके से, बाजू को हम फोल्ड में बनाएंगे तो इस तरीके से हम एक मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद दोस्तों बाजू की लंबाई है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच में हम आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे नीचे के लिए। यहाँ पे हम अलग से पट्टी लगाएंगे, उससे हम फोल्ड बनाएंगे। तो 7.5 में हमने आधा इंच मार्जिन नीचे का ऐड किया तो हमारा हो गया 8 इंच, प्लस हम आधा इंच मार्जिन ऊपर के लिए और ऐड करेंगे जो हमारी बाजू में जाएगा। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पर इस तरीके से। इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों जैसे हमारी जो हमने आरमोल काटा हुआ था उसका 9.25 इंच, तो हम आरमोल को 1 इंच बड़ा काटेंगे। तो इसमें हम 9.25 इंच पे आरमोल काटेंगे। तो इस तरीके से हम क्रॉस में रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। इसकी जो बाजू है वो हम रखेंगे 13 इंच है, तो 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच, प्लस हम इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे जो हम मार्जिन लेंगे साइड में सिलाई लगाएंगे उसके लिए। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम राउंड देंगे, तो इस तरीके से हम इसमें राउंड देंगे। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रम ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक ही बार में इसकी आपको कटिंग करना आ जाएगा और इसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग भी करना बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए वीडियो को। तो इस तरीके से हमने इस बाजू की कटिंग कर ली है। अब इस तरीके से हम बाजू को खोल के रखेंगे। ये फ्रंट वाले पल्ले में हम आगे गड्ढा देते हैं, तो इस तरीके से हम इसमें गड्ढा दे देंगे। इस तरीके से और एक चटका लगा लेंगे हम, जिससे हमें मालूम रहे कि फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा है। तो इस तरीके से आप देखिए हमारी जो राउंड है वो 10 इंच 9.5 इंच हो गई है। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इसमें जो हमारी बाजू की मोरी है उसको हम लिख लेंगे। पूरा खर्चा आपको दिखा देते हैं कौन सा पल्ला हमारा किस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से ये हमारी बैक है। यहाँ पर हम जो है बैक तीरे को इस तरीके से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये जो हमारा है फ्रंट का पल्ला है, कंधी हमारी इस तरीके से टूट कर आ जाएगी इस तरीके से। अब बाजू को हम इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और बाजू को हम इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से हमारी ये शर्ट की कटिंग हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग समझ में आ गई है। अब हम आपको इसकी हम शर्ट की पेस्टिंग करेंगे। इससे हमने फैशन पट्टी के लिए ये ले ली है फ्यूजिंग, ये हमने बाजू के लिए ले ली है। तो चलिए हम इसकी पेस्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको साइड में रख लेंगे, बाकी खर्चे को हम साइड में रख देंगे। केवल हमने फ्रंट का पल्ला लिया है, इसमें हम फैशन पट्टी को चिपकाएंगे। तो किस तरीके से हम चिपकाते हैं चलिए वो देखते हैं कि हमारी जो फोल्ड पट्टी है वो किस तरीके से टूटती है। तो प्रेस को हम इस तरीके से हम इसमें प्रेस लगा लेंगे कि कोई सिलवट वगैरह ना रहे इस कपड़े पर। फिसलन पट्टी को लेंगे, इस वाले मार्क से हम रखेंगे इसको इस तरीके से। बाद दोस्तों हम इसको चिपका देंगे।
चिपकाने के बाद हम इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे कपड़े को। को एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जैसा कि आपने देखा हमने फिसलन पट्टी को तोड़ लिया है। अब दूसरी वाले पल्ले को हम तोड़ेंगे, इसमें हमारी बटन टेक बनती है। ये दूसरा वाला जो चटका है यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों पॉकेट का निशान हमारा इस वाले सेंटर पे लगता है, तो इस तरीके से हम इसको प्रेस के जरिए से उठा लेते हैं जिससे हमें पॉकेट लगाने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से हमने इसमें टूटन बना लिए हैं। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पल्ले की पेस्टिंग हो गई है। बाजू की पेस्टिंग करेंगे, तो बाजू में सिर्फ हमें जो फैसन पट्टी है वो चिपकानी है। तो फैसन पट्टी चिपकाने के लिए हम इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे। और ये जो फैसन पट्टी है इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और इसको चिपका लेंगे। और एक तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं, ये जो बाजू है हमारी इस तरीके से इसमें लग जाएगी। तो हम इसके अंदर इसको रख देते हैं। अब दोस्तों हम कॉलर को चिपकाएंगे, तो कॉलर को चिपकाने के लिए हम इस कपड़े को बिछाएंगे। कपड़े को जो है हमें उल्टा बिछाना है। यहाँ से हम ये कॉलर लेंगे और यहाँ से रखेंगे हम इस कॉलर को और प्रेस से हम इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे। हम राउंड की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारी कॉलर चिपक गई है। पॉकेट के लिए हम ये कपड़ा लेंगे और इसमें हम पॉकेट को तोड़ेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे। पैटर्न को लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और इसको तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमारी ये पॉकेट टूट गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये शर्ट की पेस्टिंग हो गई है। आई होप कि आपको इसकी कटिंग और पेस्टिंग समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से।